फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 31 अगस्त 2022, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सब ठीक है। मैं हूँ शान उमर और आप देख रहे हैं शान गार्डनिंग। फ्रेंड्स, यह है जी मेरा गुलदाउदी का पौधा। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, गुलदाउदी को कलम से लगाया था तो मैं कामयाब हो गया था। तो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कलम को निकाला था और गमले में शिफ्ट किया था, छोटे गमले में। फिर उससे मैंने बड़े गमले में शिफ्ट करे थे, यहाँ बड़ा होता था, काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर इसको फूल तो नहीं लगे थे, पत्ते बड़े प्यारे इसके हो गए थे। कुछ दिन पहले काफ़ी बारिशें हुई हैं ना, जिसकी वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा पानी मिल गया, तो मैं इतना ख्याल रखता नहीं था। ये देखें अभी भी मिट्टी बहुत गिली है, सख्त हुई पड़ी है, सख्त मिट्टी गिली, तो मैं इतना ख्याल रखता नहीं था, जिसकी वजह से ना इसको पानी ज़्यादा मिल गया और वाटरिंग होगी। और दूसरा ना, बारिश में आपको पता है वाइट फ्लाई बहुत आती है, उसका हमला भी इसके ऊपर हो गया। ये देखें जी उड़ रही है, कैमरे में शायद ना नज़र आती हो क्योंकि छोटी छोटी होती है, वाइट वाइट सी। मेरी मॉर्निंग ग्लोरी पलवान पर भी है ना, मैं वहाँ दिखाता हूँ, वहाँ शायद नज़र आ जाए। देखें जी ये उड़ रही है, ये बैठी दिख रही है, ये बैठी जी, ये होते हैं जी वाइट फ्लाई। तो इसका हमला भी इसके ऊपर हो गया काफ़ी, तो जिसकी वजह से ना देखें इसके पत्ते भी देखें जी कैसे सूख गए और मर से गए पत्ते, देखें सारे ये सूखर से गए पत्ते और ये सब सब से भी लटक सके हैं। मेरा इरादा है कि ना इसको मैं यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट के और इस तरह के छोटे कमरे में नई मिट्टी भर के ना, तो उसमें इसको मैं लगा दूँ। मैंने काटना था और शिफ्ट करना था, मैंने कहा चलो एक वीडियो बना दूँ और आपको को बता दूँ कि ऐसा क्यों है। मेरे ख्याल में तो इसी वजह से ऐसा हुआ कि बारिश की वजह से पानी ज़्यादा मिल गया और बारिश की वजह से वाइट फ्लाई बहुत आती है, उसका इसके ऊपर हमला हो गया, तो मैंने गौर नहीं किया जिसकी वजह से मर गया। तो इसको काटता हूँ और छोटे को मैं लगा के रखता हूँ, तो शायद ये दोबारा ये सर्दियों में या बहार में फरवरी से मार्च के महीने में दोबारा इसकी शायद यहीं से ये जो नोड एरिया है ना, यहीं तो शायद नई शूटिंग शुरू हो जाए। तो अब मैं काट के लगाता हूँ इसको, तो फिर आज से ऐसा इसकी अपडेट भी आपको देता रहूँगा। अगर ये ठीक हो गया तो फिर भी आपसे वीडियो शेयर करूँगा, अगर ये मार गया तो फिर भी आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगा। तो अब इसको हम काटते हैं और गमले में शिफ्ट करते हैं। तो इसको काट देते हैं यहाँ से, हम यहाँ से काट दिए, इसको फेंक देंगे, ये कोई काम का नहीं है हमारे। तो इसको अब हम निकाल के छोटे गमले में शिफ्ट करते हैं। मैंने एक छोटा गमला लिया है, तो इसमें मैंने भर लिया है जी ग्रोइंग मीडिया। तो इसमें ब्लैक गोल्ड जो होती है वो भी है और राइस हस्क भी है, ये देखें भी है, कोकोपीट भी है, उन सब का मिक्सर है बनाया हुआ है। तो इसको मैंने इसमें भर लिया है, अब इसको निकाल के इसमें शिफ्ट करते हैं। ये देखें जी इसकी जड़ें फैली हुई हैं, ये मीडिया और इसके ऊपर डाल देते हैं। हम लोग पलट लेंगे ताकि एयरपोर्ट पॉकेट्स ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा इसको दे देंगे पानी। तो जी आज मैंने यही बस काम करना था, तो मैं सोचा वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करते हैं। और हाँ, आपके जो गुलदाउदी के पौधे हैं ना, उनको बारिश से बचाइएगा और वाइट फ्लाई का जब भी हमला हो तो फौरन उसे स्प्रे करके तो उस पौधे को बचाइएगा उस वाइट फ्लाई से, नहीं तो फिर ये हाल होगा उस पौधे का भी, जैसे जो मेरा हुआ। मैंने गौर नहीं किया और ना हम कोई स्प्रे वगैरह किया, तो आप देख सकते हैं कैसा सारा पौधा मर गया। तो आप अपने पौधों का हाल, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।